हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन है फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने बोर्ड पे आपको बहुत सारा कुछ लिख दिया है, जो हम आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, सभी के बारे में बताएंगे आपको। FPS सिस्टम, बेटे सिस्टम में कैसे कैलकुलेट किया जाता है अपना हीट को, जैसा कि अगर हमारा जो है किसी एसी के ऊपर लिखा हुआ है 12,000 BTU पर आवर तो कितना टन का होगा, या 200 BTU पर मिनट लिखा हुआ है तो, या फिर 24,000 BTU लिखा हुआ है, जैसे भी, मतलब उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसको फाइंड आउट करेंगे कि कितना टन का वो एसी हमारा है, तो हम पूरा एक इजी आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, यहाँ पर आप देखिए कि MKS सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम में अपना कैसे किलो कैलोरी में कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, वो भी हम आपको डिटेल्स बताएंगे। दूसरा, वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू कितना हमारा BTU होगा और किलो कैलोरी में कितना आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे, और किलो वाट्स में, HP में, वाट्स में, किलो जूल में, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, हमारा अगर एक मान लीजिए रूम है तो उस रूम में कितना टन का एसी रिक्वायर्ड है, कितना टन का एसी चाहिए, वो भी हम आप लोगों को एक सिंपल मेथड बताएंगे। बाकी हीट लोड का मेरा एक डिफरेंट आप लोगों को चैप्टर हम आप लोगों को बताएंगे, जिसमें एक आप किसी बिल्डिंग का या किसी रूम का किस तरह से उसको हीट लोड निकालना है, कैलकुलेशन करना है, कितना टन का एसी रिक्वायर्ड होगा, वो हम आप लोगों को अलग बताएंगे। ये सिंपल मेथड में हम आपको नॉर्मली जो बेसिक बताया जाता है वो बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि FPS सिस्टम में, बेटिस सिस्टम में, 1 टन इज इक्वल टू 2,000 lb पाउंड, मतलब पाउंड होता है, 2,000 pound होता है। ये बेटिस सिस्टम में एक ही जाता है, BTU मतलब होता है बेटिस थर्मल यूनिट, ठीक है। तो 1 टन मतलब कि नॉर्मली ये होता है ना घर में कि कितना टन के एसी लगाए हैं, 1 टन का लगाए हैं कि 2 टन का लगाए हैं, तो टन मतलब उतना एरिया नहीं, ये जो है एसी को जो है कैलकुलेशन किया जाता है टन में। जैसे 1 टन का अगर आप एक रूम में आइस रखते हैं, ठीक है, एक रूम में आपने 1 टन का आइस रखा और दूसरे रूम में आपने 1 टन का एसी इंस्टॉल किया, तो जितना हीट जो है 1 टन का आइस जो है क्या कहते हैं रिमूव करेगा, जिसे कूलिंग आपको मिलेगा मेल्ट होने के बाद, उतना जो है हमारा 1 टन का एसी जो है आपको ये करेगा, कूलिंग को इफेक्ट देगा। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब 1 टन इक्वल टू 1 टन आइस इक्वल टू 1 टन का एसी इक्वल हो गया, दोनों मतलब बराबर हो गया। तो ये पहले जमाने में यूज किया जाता था, जैसे कि आइस वगैरह रूम में रखकर कूलिंग को प्राप्त किया जाता था, जिस तरह से फिर बाद में एसी आया तो उसके हिसाब से उसके मेथड पे कैलकुलेट किया गया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस का 144 BTU है पर पाउंड, ठीक है। 144 BTU मतलब कि 1 pound का आइस अगर मेल्ट होने के बाद जितना हीट को वो ये करता है, रिड्यूस्ड करता है, वो 144 BTU जो है ये करता है, 144 BTU का जो है हीट को निकालता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग 2000 मान लीजिए, अगर ये हमारा ये है पाउंड है, तो 2000 इंटू 144 BTU अगर टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो एक दिन में जो है हमारा 288,000 BTU पर डे निकालता है, हीट को निकालता है, ठीक है, 288,000 पर डे 24 आवर्स में, ठीक है। यहाँ आप लिख देते हैं 24 आवर्स में हमारा 288,000 BTU हीट को रिमूव करता है रूम से, उसी तरह से हमारा सेम 1 टन का एसी जो है हमारा निकालेगा। अभी 288,000 डिवाइडेड बाय 24, हमको अगर 1 घंटा में निकालना है कि 1 घंटा में कितना BTU निकालेगा हीट को, तो अगर 24 से हम लोग 288,000 में अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12,000 BTU। ये हमारा कितना आ गया, 1 घंटा में हमारा 12,000 BTU निकालेगा। उसी तरह से अगर हम लोग 1 घंटा को अगर 1 मिनट में कितना निकालेगा हीट जो है 1 टन का मशीन, ठीक है, 1 टन का मशीन कितना निकालेगा, तो 60 को डिवाइड कर देंगे, 12,000 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमारा 200 BTU पर मिनट में निकल जाएगा। मतलब पर मिनट में अगर 200 BTU निकालता है तो वो 1 टन का मशीन कहलाएगा, ठीक है, ये 1 टन पर आपको बताया गया है। और दूसरा, अगर 1 सेकंड में अगर निकालना है तो 200 को डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 3.33 BTU पर सेकंड। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर एक एसी पे लिखा हुआ है 24,000 BTU पर आवर, मतलब 1 घंटा में 24,000 BTU अगर दिया हुआ है, तो 12,000 कितना निकालता है, 1 टन कैसे निकालता है। अगर एसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 घंटा में अगर इसको 24 कर देंगे तो 12 दूनी 24, मतलब 2 टन हो गया। तो कहीं पे अगर 18,000 लिखा रहता है BTU पर आवर, तो मतलब कि 1.5 टन का हो गया, 12 और 6 18 ना,
बारह छठा तो 1500 सॉरी 1.5 टन का हो जाएगा, 24,000 रहेगा तो 2 टन का, 36,000 रहेगा तो 3 टन का, उस तरह से हम लोग कंप्यूटर ज्यादातर आपको जो देखने को मिलेगा एसी पे वो 12,000 BTU करके ऐसा लिखा रहता है। 1 टन का एसी है तो प्रति आवर्स में रहेगा, सेकेंड में मिनट में नहीं, वो मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दिया, बट क्या कहते हैं ज्यादातर जो है आवर्स में ही आपको रहेंगे। दूसरा हम लोग देख लेते हैं एलकेएस सिस्टम मतलब मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है। 1 टन इक्वल टू होता है 907 kg, ठीक है। 1 टन आइस बराबर जो होता है ये जो है 907 kg, अगर ये आइस जो है अगर मेल्ट होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस जैसे, मतलब 1 kg का आइस जो अगर मेल्ट होएगा ना एक जगह पे आप रखा एक रूम में, वो आइस अगर मेल्ट होगा तो कितना 80 kcal जो है वो हीट को निकालता है, 80 kcal जो है हीट को गेन करता है वो। तो अभी हम लोग यहाँ के लिए 900 × 80 कर देते हैं, ठीक है। 907 kg है तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं कैलकुलेशन के लिए करके जो 900 इसको किया गया है, इससे इतना से कोई फर्क नहीं है। तो 900 × अगर 80 हम लोग करते हैं तो कितना 72,000 kcal पर डे, मतलब 24 आवर्स में कितना 72,000 kcal जो है हीट को निकालेगा, ठीक है। और हमको वहां पे कूलिंग इफेक्ट प्राप्त होगा, ये 1 टन का एसी है, ठीक है। अब फिर अभी अगर हम 72,000 kcal को अगर 24 से डिवाइड करते हैं, मतलब एक घंटा निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा 3000 kcal पर आवर्स। उसी तरह से 3000 को हम लोग निकालेंगे तो 50 kcal आ जाएगा प्रति मिनट, और अगर मिनट को सेकंड में निकालना है तो हम लोग 50 को कितने से 60 से डिवाइड कर देंगे, 0.833 kcal प्रति सेकंड निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा, अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है 3000 kcal अगर दिया हुआ है किसी एसी पे लिखा हुआ है तो आप जो समझ जाएं कि वो हमारा 1 टन का मशीन है। उसी तरह से अगर 3 × 2 करेंगे 6 अगर हो जाता है 6000 तो वो समझिए हमारा 2 टन का प्रति आवर निकलता है, तो ठीक है। तो ये इस तरह का कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जब आप एग्जाम देंगे ना तो क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको कि अब इसको जो है 6000 में 9000 में इस तरह से किलो कैलोरी में फिर बीटीयू में, उस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन घुमा के देते हैं। तो ये आप लोग जो कैलकुलेशन स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग एक सिंपल मेथड में जान लेते हैं यहाँ पे। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 1 टन का एसी है अगर, तो उसका बाकी बीटीयू में किलो कैलोरी में कितना हो जाएगा, तो 12,000 BTU प्रति आवर है तो 1 टन का मशीन का लाएगी, 3000 kcal है तो 1 टन का मशीन का लाएगी, 3.517 kW में अगर दिया हुआ है, कभी कभी किलोवाट्स में भी आता है, तो वो हमारा 1 टन का मशीन का लाएगी। उसी तरह से एचपी में है तो 4.7 आ जाएगा। ये एचपी जो है ना ये हमारा बीआरपी सिस्टम के लिए काम नहीं करेगा, ये एचपी का कैलकुलेशन 1 टन में, उसके लिए एक अलग वीडियो मेरा डाला हुआ है, ये जनरल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 4.7 एचपी है तो 1 टन का कहलाएगा, वाट्स में 3516, ठीक है, ये रहेगा तो 1 टन का कहलाएगा। उसी तरह से 12,660 kJ में है प्रति आवर तो वो हमारा 1 टन का मशीन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं रूम का सिलेक्शन ऑफ एयर कंडीशनर, रूम का अभी हम लोग किसी एक रूम का ले लेते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ये टन का फॉर्मूला, ठीक है, एक नॉर्मल सिंपल रूम है। रूम का साइज आपका हाइट 10 है, 10-10 है, मतलब उसका चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई अगर 10x10 का रूम आपका है तो उसको क्या है रूम में यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ रूम बाय 10, ठीक है। तो यहाँ इसको तो हम लोग कर दिया 3 root है। अब उसके बाद कितना है, हाइट कितना है इसका 10 है, विड्थ कितना है 10 है, और हाइट कितना है सॉरी लेंथ कितना है 10 है, सब लेंथ हाइट एंड विड्थ जो है टोटल इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 10 है बाय 10 कर दिए। अब उसके बाद इसको अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो 1000 × 10 हो गया। अभी 1000 को क्यूबिक ईयर रूट निकालेंगे तो हमारा 10 आएगा, तो 10 से 10 अगर हम कट करते हैं तो कितना 1 टन, ठीक है। तो 10x10 का रूम में जो है नॉर्मली हम लोग क्या 1 टन का एसी को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये करने के लिए मैं पहले बता रहा हूँ कि उसके लिए जो है पूरी इक्विपमेंट के साथ साथ उसको कैलकुलेशन किया जाता है। सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कितना इतना का रूम है तो कितना टन का एसी लगाएंगे, तो आप बोल सकते हैं कितना टन का एसी हम लोग लगाएंगे, या बेसिकली घर पर डिजाइन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, उसको मेजर करके 2 टन का या 3 टन का डालना है तो हम लोग डाल देते हैं। बट एक स्टैंडर्ड आप कहीं पे जाते हैं किसी एक ऑफिस एरिया में या कहीं पे आप ये करने के लिए, तो उसके लिए परफेक्ट कैलकुलेशन किया जाता है।
जो उसका हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा ये बीटीयू से रिलेटेड कि क्या कैसे टर्न ऑफ कैसे फाइंड आउट करते हैं इसी को। चले फिर नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा इंतजार करें, किसी और टॉपिक पर हम आप लोगों को बताएंगे।